नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष गोयल जी, जो कि वैश्य कुल जिला केशवपुरम से अभी नव नियुक्त उपाध्यक्ष बने हैं। स्वागत है सर आपका पहले। नमस्कार जी। सर, अभी आप वैश्य कुल से जुड़े हैं, जिस पे आपको एक जिम्मेदारी दी गई सर उपाध्यक्ष की, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? बस जी, मेरे पे हमारे माननीय श्री वैश्य कुल के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं विष्णु मित्तल जी, हमारे जिले के जो संयोजक हैं भाई नरेंद्र जी, उन्होंने मेरे में एक विश्वास जताया है। जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है या आगे जो देंगे, मैं कोशिश करूंगा उनकी जिम्मेदारी और उनके विश्वास पे पूरा होता। अच्छा, जो ये संगठन बनाया सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो संगठन बताया है, ये हमारे जो अग्रसेन कुल है उसको एकत्रित करके एक मार्गदर्शक दे के एक धारा में जोड़ने का संगठन बनाया, ताकि हम समाज के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए कुछ वैश्य समाज मिल के कर सके। आगे के और कोई एजेंडे हैं सर इस मिशन? हाँ, अभी हमारे एजेंडे हैं, अभी हमारी एक मीनवाइल 15-20 दिन में एक मीटिंग होने वाली है, उसमें माननीय विष्णु मित्तल जी और भाई नरेंद्र जी, जो कि हमारे जिले के संयोजक हैं, जैसा हमारे को गाइड करेंगे, हम उस लाइनों पे उन पत्र चिन्हों में आगे चलने की कोशिश करेंगे और समाज के लिए जो बेटर से बेटर होगा कार्य वो करेंगे। आप साथ के साथ कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं सर? हाँ, मैं मेनली जो जुड़ा हुआ हूँ श्याम जगत से जुड़ा हूँ। श्याम जगत की 10-12 संस्थाएं हैं, उनसे मैं जुड़ा हूँ। श्याम जगत से मैं आपको बता दूँ, बाबा श्याम, जिनका मूल निवास खाटू श्याम जी सीकर, जिला सीकर राजस्थान में है, उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं। किसी भी गरीब परिवार की लड़की की शादी हो या और कोई मदद जो भी हो सके, जैसे कोरोना काल में मैंने व्यक्तिगत, मतलब आप समझिए 1000-2000 आदमियों की मदद करी, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई लोगों को कम से कम 2-2500, और ये मैंने सिर्फ दिल्ली के स्तर पर नहीं, मैंने ऑल ओवर इंडिया स्तर पे वो चीज़ें कराई। और उस संदर्भ में मैं आपको बता दूँ, RSS एक मेरे को ऐसी संस्था मिली जिसने पूरे हिंदुस्तान में लोगों की मदद करी, और एक एक, इतनी महामारी होने के बाद भी RSS का एक एक कार्यकर्ता मुझे दिखा, जो लोगों से व्यक्तिगत जाके लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, ऑक्सीजन पहुंचाई, दवाएं पहुंचाई और जितनी ज़रूरत की सामग्री थी उन्होंने पहुंचाई। अच्छा, आपको जो वैश्य कुल जो बना है सर, ये कहां से शुरुआत कहां तक जाएगा? ये देखिए जी, संगठन पूरे राष्ट्र में है, राष्ट्र स्तर पर बनाया है, और ये बहुत बड़े स्तर पर जाके लोगों की, क्योंकि जैसे आप समझिए एक जाट समाज है, लोगों ने बना रखा है, पूरे हिंदुस्तान में जाट समाज है, एक है मीना समाज, एक ऐसे ही हमने पहल करी है हमारे राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल जी ने, कि एक अग्रसेन समाज को भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाए। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी पहल है, और हम लोगों को जुड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर चल के उनको और आगे पहुँचाना चाहिए। सर, अभी तक इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं? जी, मैं समझता हूँ इसमें करीब करीब पूरी दिल्ली के जितने भी अग्रसेन समाज है, अग्रसेन के लोग हैं, हम अग्रसेन के वंशज हैं, वो जुड़ चुके हैं, और बाकी हमारी निरंतर प्रयास जारी है कि और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जोड़ें पूरे भारतवर्ष में। आपने अभी तक कोई टीम बनाई है अभी तक? हाँ जी, हमारी पूरे जिला में भाई संयोजक जो हमारे नरेंद्र भाई है, उन्होंने पूरी एक टीम बनाई है, हर टीम को अपना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। हमारे केशवपुरम जिले में ही मैं समझता हूँ कम से कम भी नहीं 10,000 से ऊपर परिवार हम वैश्य कुल से जोड़ चुके हैं। और मैं आपको हमारे वैश्य कुल की एक और बात बताता हूँ, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री विष्णु मित्तल जी ने रखी है, कि हमारे वैश्य कुल का कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है बैंक बैलेंस होने के बाद ही संस्था की परेशानियाँ या आपस में खटास या दूरियाँ बढ़ती है, प्लस यहाँ पर कोई भी आदमी परमानेंट नहीं है, जो काम करेगा वही यहाँ रहेगा, उसके बाद साल 2 साल बाद हर आदमी की पोस्ट चेंज होगी, हर आदमी को यहाँ से जाना पड़ेगा, उसकी जगह नए जने आएंगे, ये उनकी सोच है। आशीष जी, हमने सुने कि आप अभी कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं 5 से 8 तारीख तक, जिसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी भी उस आयोजन में उपस्थित होंगे सर? हाँ जी, 5 जुलाई से 8 जुलाई तक का हमारे यहाँ श्री धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी बागेश्वर धाम जी का एक प्रोग्राम है, जिसमें 21 कन्याओं का विवाह है, कलश यात्रा है, दिव्य दरबार है, हनुमान कथा है, उसमें मैं कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो भी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर सके वो भी करें, और वहाँ पर आके महाराज जी के दर्शन कीजिए, दिव्य दरबार में बैठिए, हनुमान की कथा सुनिए, क्योंकि वो एक ऐसा धाम है बागेश्वर धाम जो कि साक्षात हनुमान जी का है, और वहाँ से साक्षात महाराज श्री आएंगे, और आप वहाँ आएँ, उनके दर्शन का लाभ लीजिए और अपने जीवन की जो भी कठिनाई है, परेशानी है, उनके दर्शन से दूर कराएं। धन्यवाद।